हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डीप कंडीशनिंग के बारे में कि डीप कंडीशनिंग बालों के लिए क्यों अच्छी होती है, कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। क्योंकि मौसम चेंज होता है तो हमारे स्किन पे बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं, ऐसे ही हमारे बालों पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि विंटर्स की बात करें तो बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, शाइन चली जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स विंटर्स में तो फेस करनी ही होती है। फिर जब ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम सोचते हैं कि क्यों ना प्रोटीन या केराटिन ट्रीटमेंट करवा लिया जाए, और ये ट्रीटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ कर लेनी चाहिए जिससे कि हमें ये महंगे प्रोटीन केराटिन ट्रीटमेंट की करवाने की ज़रूरत ना पड़े। डीप कंडीशनिंग होती क्या है? डीप कंडीशनिंग में क्या होता है कि जब हमारे बालों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो बाल बहुत ही ज़्यादा रफ नज़र आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि महीने में एक बार स्पा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और उनकी चमक और जो भी चीज़ें हैं वो फिर से वापस आ जाती हैं। वैसे हम शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करते हैं, पर जो कंडीशनर यूज़ करते हैं वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही हम बालों में रखते हैं और वॉश कर देते हैं, जिससे कि वो उतना काम नहीं कर पाता है। तो डीप कंडीशनिंग में हम एक कोई भी मास्क लगाते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ हम बालों के लिए यूज़ करते हैं जिससे हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए और हाइड्रेशन बालों को मिल जाए, जिससे ये फ्रिजीनेस डलनेस सारी प्रॉब्लम्स बालों की दूर हो जाए। तो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जिस चीज़ से आज करने वाली हूँ उसे वैसे ही हम डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं। डीप कंडीशनिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और पर ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मुझे अभी तक का सबसे अच्छा तरीका लगा। एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने अपने बालों पे घी लगाया हुआ था, घी का मास्क, मतलब सिर्फ घी अप्लाई किया हुआ था, और वो भी एक डीप कंडीशनिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मतलब घर पे घी होता ही है, बस बालों में लगाना ही है और कुछ देर रखना है, आपको आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की स्मूथ नज़र आएंगे कि आप विश्वास ही नहीं करोगे, इतने अच्छे नज़र आएंगे। घर पे घी होता ही है, एक बार करके ज़रूर देखिएगा, और अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं डीप कंडीशनिंग करने वाली हूँ मलाई से, जो मिल्की मलाई होती है उससे ही मैं डीप कंडीशनिंग करने वाली हूँ। मलाई से ही घी बनाया जाता है, तो मलाई में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब आपने विंटर्स में सुना होगा कि मलाई हाथ पैरों में लगाने से जो भी ड्राइनेस है वो चली जाती है, स्किन पे या लिप्स पे लगाने से जो भी ड्राइनेस है वो चली जाती है, ऐसे ही बालों के लिए मलाई बहुत ही अच्छी होती है। आज के वीडियो में मैं अपने बालों पर मलाई से डीप कंडीशनिंग करूँगी। इसके लिए सिर्फ आपको दूध की जो मलाई होती है वो चाहिए। एक दिन में उतनी मलाई नहीं निकल पाती है तो आप 2-3 दिन की मलाई को कलेक्ट कर लीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए। और मैं इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसमें ऑयल भी होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप ये मिलाओ वो मिलाओ, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपके पास मलाई बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाती है तो आप क्या कीजिए, उसमें फिर कोकोनट ऑयल या जो भी आपके पसंद का ऑयल है आप उसे मिक्स कर लीजिए और अपने बालों पर उसको अप्लाई कर लीजिए। तो अभी चलिए देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं डीप कंडीशनिंग के पहले के बाल जो कि काफ़ी रफ नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, सुलझा लीजिए। सुलझे हुए बालों पे आसानी होती है कोई भी चीज़ अप्लाई करने में, और बालों को हल्का गीला कर लेंगे। आप कोई भी स्प्रे बॉटल लेके बालों को हल्का गीला कर लीजिए, और इसके बाद बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जिससे कि पूरे बालों में ये जो पैक है वो लग सके। तो इधर मैं अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने ले ली है ये मलाई। तो मलाई को अच्छे से बालों के एंड्स पे लगा लूँगी। आपको ये पैक स्कैल्प पे नहीं लगाना है क्योंकि जो ड्राइनेस होती है वो बालों के एंड्स पे ज़्यादा होती है। तो जैसे कोई पैक लगाते हैं या मास्क अप्लाई करते हैं बालों में, वैसे ही पतले पतले पोर्शन लेके, छोटे छोटे से पोर्शन लेके आप अच्छे से बालों पे इसको लगा लीजिए। और ये जो मास्क है ये आप आधा घंटे, कम से कम आधा घंटे तो अपने बालों पे रखिए, हो सके तो आप 1 घंटे तक भी रख सकते हैं, पर इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब 1 घंटा हो जाए तो फिर आप किसी भी माइल्ड शैम्पू मतलब केमिकल फ्री शैम्पू से अगर आप वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।
सो ऑलमोस्ट सारे बालों पे लग गया है। अब मैं बालों को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, और फोल्ड करने के बाद आप बालों को कवर ज़रूर कीजिए। आप शार कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी पॉली बैग लेके उससे बालों को रैप ज़रूर कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो ये आप इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब मैं बालों पे 1 घंटे तक लग रहने देती हूँ, इसके बाद मैं वॉश करके आपको रिजल्ट्स बताती हूँ। तो ये है डीप कंडीशनिंग के बाद के बाल, और आप शाइन देख सकते हो। और जब मैं टच कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल मलाई जैसे नज़र आ रहे हैं, बड़े ही सिल्की हो गए हैं। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि पहले बाल कैसे थे और अभी कितने ज़्यादा सिल्की स्मूथ नज़र आ रहे हैं। ये जो डीप कंडीशनिंग है आपको महीने में 1 बार करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर वीक इतना तामझाम करने की ज़रूरत है। महीने में 1 बार करना ही सफिशियंट है। ये करने से होगा क्या, जब आप डीप कंडीशनिंग करोगे तो उससे जो आपके बाल हैं उनकी ड्राइनेस चली जाएगी, बाल सिल्की स्मूथ नज़र आएंगे, फ्रिजी नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ड्राइनेस से होते हैं स्प्लिट एंड्स। जब बालों के एंड्स ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जो कि स्प्लिट एंड्स कहलाते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक आपकी दूर होने लगेगी, और आपको बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये ट्रीटमेंट करवाना है वो ट्रीटमेंट कराना है। बस आप यही करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही आसान है, सबके घरों में दूध आता ही है, और बस मलाई निकाल के यूज़ ही करना है। तो इसको आप, इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अभी मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए